राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपरेशन बनने से ना सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको, उनके, मैं समझता हूँ जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नजर बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से ना सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वच्छ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं, तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं, तो हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। तो हमने जो बात रखी जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया, जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ने का काम किया, उन सिद्धांतों को, उन मुद्दों को, उन इश्यूज को, मैनिफेस्टो को हमारे को जनता ने पसंद किया। ये बात सही है कि सरकार दोबारा एनडीए की बनी है, लेकिन भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। दो बड़े सहयोगियों के साथ सरकार का निर्माण हुआ है, संभावनाएं आगे क्या बनती हैं कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि नए स्पीकर जो बने हैं राजस्थान से, हमारे ओम बिरला जी, वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के, मैं उम्मीद करता हूं कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे, और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा ओम बिरला जी के कार्य